ऑलराइट, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरा गोप्रो सेटअप का ये हेलमेट। जी हाँ, तो मैं आज इसको ओपन करने वाला हूँ। इसके बिना मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप बहुत ही अधूरा था, तो मैंने अमेजन से इसको ऑर्डर किया। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसके अंदर मिलता है। तो ये है मेरा मोटो ब्लॉगिंग का हेलमेट सेटअप, जो मैंने स्टील बर्ड का ये हेलमेट है, स्टील बर्ड एयर, और यहाँ पे जो दिखा रहा है वो नाम है R2K। ये देखिए, इनोवेशन वेंटिलेशन सिस्टम। तो ये मैंने नया ऑर्डर किया मेरा मोटो ब्लॉगिंग के लिए। यहाँ मैं अपना कैमरा फिट करूँगा। तो अगर मैं इसका और भी फीचर्स का बारे में बात करूँ, ये है वाइज़र। हाँ, तो अगर आप ऑनलाइन से ऑर्डर करेंगे तो इसका दो वाइज़र मिलता है। या तो आप चूज़ कर सकते हैं क्लियर वाइज़र जो इसमें है। चलो सबसे पहले इसका स्टिकर रिमूव करते हैं, तो मैं बताता हूँ। यार निकल जा। तो आप चाहें तो क्लियर वाइज़र वाला ले सकते हैं, और या तो आपको मिलेगा एक ब्लैक वाइजर जो डार्क ब्लैक रहता है। तो जस्ट ऐसे रिमूव करना है, अब ये ऊपर आ जाएगा। बहुत ही खतरनाक लुक है। पीछे में आपको दो एयर वेंट मिलेगा, ताकि आपको हेलमेट के अंदर अगर एयर आए तो उसको, ये नॉइज को थोड़ा सा रिमूव कर सके। यहाँ पे वो स्विच है, ये स्विच, और ये बाहर और ये अंदर होगा। ऐसा ही हॉलमार्क है। और ये स्टिकर है इसका, स्टिकर पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, इसका स्टील लगा है, ये स्टिकर है इसका। मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ बाद में। तो बेसिकली मेरा हेलमेट का जो मेरा हेलमेट में माउंट करूँगा वो यहाँ पे माउंट होने वाला है, ठीक है। और इस हेलमेट को सबसे पहले मुझे दिखाना है ये कि इसको पहले अंदर देखिए। अगर आप मोटो ब्लॉगिंग के लिए हेलमेट परचेस करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर अपने वायर्स को छिपा सकते हैं। ये मैंने ऑलमोस्ट कुछ दिन तक रिसर्च किया, बहुत ये करने के बाद उसके बाद मैं इसको परचेस किया। और इसका जो प्राइस है मैं बता दूंगा एंड ऑफ द वीडियो में कि कितना मेरा लगा। और ये ऑलमोस्ट ऐसा फिनिश है। तो अगर और सबसे पहले अगर आपको ऑनलाइन से हेलमेट परचेस करना है तो वेबसाइट में ही आपको मिलेगा लाइक उसका हेड मेजरमेंट करके परचेस करना है, नॉर्मली ऐसे नहीं करना है। तो इसमें अपने वायर को आप छिपा सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। छिपा के फिर आप यहाँ अपने कैमरे को माउंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी माउंट हो। मैं अगर आप बोलेंगे वीडियो बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिस पे मैंने आप कैमरे को माउंट करने वाला भी प्रोडक्ट परचेस किया है, चीन माउंट, उसके ऊपर मैं करके दिखाऊंगा। और सबसे पहले इस वीडियो में मुझे ये दिखाना है एंड ऑफ द वीडियो कि इसको पहनने के बाद मेरे को विजिबिलिटी मिलती है कि नहीं है ऑन रोड। ऐसे तो हर कोई वीडियो में बस हेलमेट ओपन करके दिखा दिया कि मैंने हाँ ये हेलमेट परचेस किया है और मेरे गोप्रो के लिए, लेकिन मुझे वीडियो के एंड में ये भी दिखाना है कि अगर आप रोड पे चला रहे हो तो आपको विजिबिलिटी कैसा मिल रहा है, अगर हेलमेट यहाँ पे कैमरा लगाने के बाद सही से रास्ता आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो इसको मैं थोड़ा पहन के भी दिखा देता हूँ कि ये कैसा लगता है अगर आप हेलमेट पहने तो। ये मैं आपका हेलमेट ये पहन लिया जी, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये हेलमेट जो है कुछ ऐसा दिखेगा। ये मैंने वाइजर बंद कर लिया, ये साइड लुक है, ये इस साइड लुक है, ये कुछ इस तरह लगता है हेलमेट। और विजिबिलिटी तो एकदम क्लियर है, लेकिन जैसा कि मैं बताया कि पहले मैं फुल फेस हेलमेट यूज़ नहीं करता था, पहले मैं हाफ हेलमेट यूज़ करता था। इसको मैं निकाल देता हूँ, बहुत ही टाइट है। मैंने मीडियम साइज़ ऑर्डर किया ये हेलमेट। तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप हेड मेजरमेंट के हिसाब से करके ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने अपना मेजरमेंट करके ऑर्डर किया था,
आपको वेबसाइट में अमेजन पे रहेगा जब आप चूज़ करेंगे। ये स्टील वर्ड का हेलमेट था, तो इसका प्राइस मैंने ऑर्डर किया 1840 रुपये में, ये मैंने ऑर्डर किया। इसका बिल्ड क्वालिटी का बात करें तो ऑन एन एवरेज है, इसका उतना खास लाइक ठीक है 2000 के लिए एक हेलमेट ठीक है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी मैट फिनिश में है, ये ऑन एन एवरेज है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हमको तो मुझे लग रहा है ये फाइबर है, हार्ड टू फाइबर है, जिसमें टूट सकता है बहुत ज़ोर से, अगर एक्सीडेंट हुआ, अगर मैं गिरा तो ये टूट जाएगा। तो मेरे को और एक चीज़ इसमें दिखाना है कि कैमरा लगाने के बाद विजिबिलिटी कैसा रहता है, और ये मैं बाइक पे मतलब सब कुछ सेटअप करके बाइक पे चला के दिखाऊंगा कि विजिबिलिटी कैसा रहता है। तो ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। ये हेलमेट बहुत ही क्लासिक, वैसे भी ये हेलमेट बहुत क्लासिक लुक था इसका, तो आप देख ही सकते हो। हाउ इज इट, तो मैं मिलता हूँ आपको हेलमेट बाइक पे लेके और एंड ऑफ द वीडियो पे। ऑलराइट, तो दोस्तों मैं अब शुरू करने वाला हूँ विजिबिलिटी चेक। तो मैं मुझे देखना था जस्ट कि ये जो हेलमेट है, ये हेलमेट लगाने के बाद, हेलमेट पे कैमरा इंस्टॉल करने के बाद इसका विजिबिलिटी कैसा रहता है। तो मेरा गाड़ी का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है, इसका जो सेल्फ किट है वो ख़राब हो गया है और मुझे इसको करना है ठीक, क्योंकि बिना सेल्फ किट का मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो देखता हूँ कैसा विजिबिलिटी आ रहा है, और मुझे माइक का टेस्टिंग भी करना था। तो ये मैंने माउनो का माइक लगाया है, अभी माउनो का माइक पे मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका देखते हैं स्टेबिलिटी कैसा रहता है, स्टेबिलिटी। और साउंड सिस्टम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आई डोंट नो कि कैसा रहेगा। और बेसिकली जो ये मैंने इंस्टॉल किया है वो मैं एडिटिंग के दौरान ही समझ पाऊँगा कि इसका विजिबिलिटी कैसा है। और मुझे तो हेलमेट लगाने के बाद एक्चुअली मेरा आदत जो हो गया था वो हाफ फेस हेलमेट मैंने यूज़ किया इतने दिन तक, अभी क्या है कि मैंने फुल फेस मोटो ब्लॉगिंग के लिए ये जो हेलमेट लिया है इसके वजह से थोड़ा सा विजिबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी रहेगा। और बेसिकली जो मैंने क्लियर वाइज़र लिया है, क्लियर वाइज़र के वजह से ही ये थोड़ा सा सही है। अगर दो वाइज़र होते, मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया कि एक आपका डार्क वाइज़र रहेगा और एक आपका रहेगा क्लियर वाइज़र। क्लियर वाइज़र मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे थोड़ा दिखता भी नहीं है रात के टाइम में, तो फिर मुझे लेना पड़ता दोनों वाइज़र, इसलिए मैंने फ़िलहाल के लिए क्लियर वाइज़र ही ले लिया। आप चाहें तो अमेजन पर ले सकते हैं, आप अमेजन से ऑर्डर करेंगे दोनों ही मिल जाएगा आपके लिए, उसके लिए कोई इश्यूज़ नहीं है। मुझे बस चेक करना था इसका विजिबिलिटी, तो इस वीडियो में मैं आपको बोला था कि राइड करके दिखाऊंगा, ये मेरा मार्केट है, तो मुझे तो क्लियर विजिबिलिटी लग रहा है। अब मैं एडिटिंग के दौरान आपको दिखाऊंगा कि क्या सही है नहीं, मुझे भी नहीं पता है कि कैसा साउंड आ रहा है वीडियो में और कैसा नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं अभी कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। और वैसे आज मेरा ऑफिस बंद था, अरे सर क्या कर रहे हैं आप। तो मैं बस चेक करना था बस इतना ही। और तो कल था सरस्वती पूजा, कल यार मेरा सेटअप हो जाता रेडी ना, आ हेलमेट तो मेरा आ जाए, यही लिए दिक्कत था, अगर मेरा कल विजिबिलिटी होता तो ज़बरदस्त रहता। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये है। अरे कुत्ता भौंक रहा है भाई, क्या है यार। बस तो आज मेरा ऑफिस था बंद, तो मैंने सोचा आज सेटअप करके ही निकलूँगा और पूरा सेटअप दिखाऊँगा। तो बहुत दिन का वेट और बहुत ही लगभग आपका जो सेटअप का दिन मेरा गया ऑलमोस्ट 6 महीना बाद, 6 महीना से मैं जमा रहा हूँ पैसा और ये रेडी किया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा सेटअप हो गया है रेडी, पता नहीं वीडियो एडिटिंग करने के दौरान समझ में आएगा कि क्या हुआ। और
ऑलराइट दोस्तों, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया, राइड करके दिखाया कि इसका विजिबिलिटी कैसा है, तो इसका विजिबिलिटी एकदम बढ़िया ज़बरदस्त, और इन क्लियर वाइजर का वजह से आपको थोड़ा सा भी महसूस नहीं होगा कि आपके सामने कुछ ऐसा अड़चन आ रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा कैमरा आपका आँख के सामने आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर आप मोटो ब्लॉगिंग के लिए हेलमेट लेना चाहते हैं तो स्टील बर्ड का ये हेलमेट ट्राई कर सकते हैं, R2K का। ये आपका ISI हॉलमार्क रहेगा और इसका प्राइस मैंने बता दिया है, 1840 रुपये मैंने परचेस किया है। इसका प्राइस ऑनलाइन में मे बी अप एंड डाउन होते रहेगा, बट आप और भी बहुत सारा मॉडल्स है वो भी चूज़ कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।